नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 9 मार्च को होली का महापर्व आ रहा है, जिसे शास्त्रों में एक तरफ तंत्र मंत्र और साधना के लिए विशेष बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में कुछ ऐसे सटीक महाप्रयोग बताए गए हैं जिन्हें यदि आप होली के दिन करते हैं तो बहुत शीघ्रता से देखने को मिलते हैं अद्भुत चमत्कार। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हीं सटीक महाउपायों में से आज मैं आपको ऐसे 11 महाउपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि आप होली के दहन के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे आपको पक्षकारी परिणाम। यदि आपको अपने व्यापार स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, जैसे पहले बहुत अच्छा काम चलता था किंतु अब नहीं चल रहा है, या फिर आपकी मेहनत के अनुसार आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं श्रेष्ठ परिणाम, तो मित्रों आपको चाहिए कि होली के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा लें और अपनी दुकान या अपने ऑफिस के मुख्य द्वार के ऊपर खड़े होकर 21 बार उस फिटकरी के टुकड़े से अपनी दुकान को उसार लें और ध्यान करें कि किसी भी प्रकार की बुरी नजर, टोना टोटका यदि मेरी दुकान या ऑफिस के ऊपर लगा हुआ है, उससे मिले व्यापार को निजात। ऐसा ध्यान कर इसे होलिका दहन में डाल दें। कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे आपको चमत्कारी परिणाम। बात करें यदि दूसरे उपाय की, तो मित्रों यदि आपके अंदर बहुत नकारात्मकता का वास हो चुका है, किसी भी कार्य को करने में आपका मन नहीं लगता या फिर रुक जाते हैं आपके बनते बनते काम, तो मित्रों आपको चाहिए कि थोड़े से बेसन को कड़वे तेल में मिलाकर अपने पूरे शरीर के ऊपर उपटन लगाएं और उस उपटन को हटाने के पश्चात जो आपके शरीर से बत्तियां निकलेगी उसे आप होलिका दहन के अंदर प्रवाह कर दें। आप कुछ ही समय के अंदर देखेंगे कि आपकी नेगेटिविटी स्वतः ही समाप्त होती जा रही है और आपके सारे कार्य जो काफी समय से रुके हुए थे वह स्वतः ही बनने लगे हैं। बात करें यदि तीसरे उपाय की, तो मित्रों यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और बहुत से डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात भी नहीं देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य में लाभ, तो मित्रों आपको चाहिए कि होली के दिन 11 उड़द के दाने उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उसार दें और होलिका दहन में इसे डालते हुए एकाग्रचित्तता से ध्यान करें कि मुझे आयु योग में वृद्धि प्राप्त हो व स्वास्थ्य योग में मिले पुष्टि। आप कुछ ही समय के अंदर देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। मित्रों यदि आपके घर में अशांति का माहौल बना हुआ है या फिर घर के सदस्यों में नहीं देखने को मिल रही है प्रेम संबंधों में मधुरता, तो आपको चाहिए कि होली के दिन एक मुट्ठी जौ अपने पूरे घर के अंदर घुमाएं और इन जौ के अंदर थोड़ी चीनी, जिसे हम शक्कर भी कहते हैं, उसे जौ में डालकर अपने इष्ट देवता से एकाग्र चित्तता से ध्यान करें कि मेरे घर में रहने वाले समस्त जातकों के प्रेम संबंधों में मधुरता देखने को मिले, साथ ही घर में रहे सुख शांति का माहौल, और इसे होलिका दहन में प्रवाह कर दें। कुछ ही समय के अंदर आपके घर का माहौल बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों यदि आपको या आपके परिवार के सदस्यों को बार बार लगती है नजर, तो आपको चाहिए कि होलिका दहन के दिन एक काला धागा लें और वह काला धागा जिस भी व्यक्ति को बार बार नजर लगती है उसकी लंबाई जितना नाप लें। इस धागे में 11 गांठ लगाते हुए हर गांठ के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और फिर होलिका दहन के अंदर इसको प्रवाह कर दें। आप देखेंगे कि पूर्ण वर्ष नहीं लगेगी आपको नजर। यह उपाय मित्रों यदि आप चाहें तो घर के सभी सदस्य कर सकते हैं, क्योंकि बुरे प्रभावों से बचने के लिए यह प्रयोग बहुत ही सटीक प्रयोग माना गया है। मित्रों यदि आप एक विद्यार्थी हैं और जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो यह श्रेष्ठ मुकाम वैसे तो आपको मेहनत से ही प्राप्त होता है, किंतु फिर भी ऐसे कोई विशेष दिवस के ऊपर आप ये उपाय करते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं मेहनत के अनुसार श्रेष्ठ परिणाम। विद्यार्थियों को चाहिए कि एक साबुत सुपारी होलिका दहन के दिन अपने ऊपर से 11 बार उसार कर अपनी विद्या और अपने करियर में श्रेष्ठ फल प्राप्ति की कामना करते हुए माँ सरस्वती को प्रणाम करें और इस सुपारी को होलिका दहन के अंदर प्रवाह कर दें। आप देखेंगे कि एकाग्र चित्त होकर आप अपने करियर पर दे पा रहे हैं ध्यान। यदि आपके भी कन्या व बालकों के विवाह में देखने को मिल रही है बेवजह से देरी, तो मित्रों आपको चाहिए कि होलिका दहन के दिन आप एक साबुत पान लें। इस पान के पत्ते के ऊपर 2 पताशे और थोड़ी सूखी मेहंदी रखें और माँ गौरी से एकाग्र चित्त होकर अपने शीघ्र विवाह की कामना करें। तत्पश्चात इसे होलिका दहन में प्रवाह कर दें। आपके घर में बहुत जल्द बजेगी शहनाइयाँ। मित्रों यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज बना हुआ है और कोशिशें करने के पश्चात भी वह कर्ज चुक नहीं पा रहा है, तो आपको चाहिए कि होलिका दहन के दिन एक जूट का नारियल लें और उस नारियल को 7 बार अपने ऊपर से वार दें और एकाग्रचित्त होकर धन्वंतरी देवता को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना का ध्यान करें कि मेरे ऊपर से कर्ज बहुत शीघ्रता से चुक जाए। ऐसा ध्यान कर इसको होलिका दहन में प्रवाह करें। आप थोड़े ही समय के अंदर अनुभूति करेंगे कि आपको कर्ज से मिलती जा रही है मुक्ति। मित्रों बहुत से लोगों का कहना होता है कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं किंतु वह पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, तो आपको चाहिए कि होलिका दहन के दूसरे दिन अर्थात धुलंडी के दिन होलिका दहन की थोड़ी सी राख अपने साथ ले आए और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें और माँ लक्ष्मी से कामना करें कि माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित हमारे घर में, भंडार में, व्यापार में विराजमान हो और हमारे घर में निरंतर वृद्धि हो। ऐसी कामना करने पर बहुत शीघ्रता से आपके घर में होना चालू हो जाती है सेविंग। तो मित्रों यह है वे 11 सटीक उपाय जिन्हें आप होली के दहन के दिन एकाग्रचित्तता से और श्रद्धा भाव से करते हैं।
तो आपको निश्चित देखने को मिलते हैं शत प्रतिशत पक्षकारी परिणाम। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।